कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी पूरे मध्य प्रदेश में फैलती जा रही है। ऐसी स्थिति में किसान भी परेशान हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कमला फार्म के उपज पंडा की, जहां पर किसानों पर लगातार किए जा रहे अत्याचार। अच्छे और साफ गेहूं को भी बताया जा रहा है खराब, और पंजीयन पर भी लिखा जा रहा है कि धनेरिया पाए गए हैं, जिसके कारण गेहूँ फेल हो गए। बात की जाए समर्थन मूल्य में तोले जा रहे गेहूँ की, जब किसान अपना गेहूँ लेकर गोडाउन तक पहुँचता है, वहाँ पर गेहूँ को फेल कर दिया जाता है। जब उनको देखा गया तब पता चला कि उनके अंदर कोई भी धनेरिया नहीं था। जब किसानों से इस बारे में बात की गई तब किसान विक्रम सिंह के द्वारा बताया गया कि कल से ही ट्रॉली लेकर आए हैं और ट्रॉली के अंदर एक भी धनेरिया नहीं है और मेरी ट्रॉली फेल कर दी गई है। वहीं किसान तूफान सिंह निवासी डेयरी से बात की गई तब उन्होंने बताया कि मैं 2 दिन से यहाँ पर गेहूँ लेकर आया हूँ और मेरी ट्रॉली अभी तक नहीं ली, उसके अंदर कोई भी धनेरिया नहीं दिखाई दिया। जब हमने हमारे रिपोर्टर द्वारा ट्रॉली के अंदर देखा तब पता चला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में किसान आए दिन परेशान हो रहे हैं। जहाँ बात की जाए तो किसान अपनी उपज को लेकर कोरोना महामारी बीमारी जैसे हालात में लेकर आया है, जहां उनको हर वक्त पैसे की जरूरत है। ऐसी स्थिति में माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को परेशान नहीं किया जाए, ऐसी बात कही गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में किसान परेशान होता दिख रहा है। जब हमने मीडिया के द्वारा महाशय अधिकारियों से चर्चा की कि क्या आपने क्यों गेहूँ फेल किए, तब उन्होंने बताया कि इनमें धनेरिया है, और जब गोडाउन के अंदर देखने गए तब पूरे गोडाउन के अंदर ढेर के अंदर धनेरिया पाए गए। आखिर ये किसानों के साथ कहाँ का न्याय है? आपका दीपक पाटीदार, किसकी परमिशन से आप यहाँ हैं? जी मैं आपूर्ति खान निवास नॉन। अच्छा, ग्रामीणों के गेहूँ की क्या समस्या आ रही है? जी धनेरिया है। धनेरिया किस प्रकार से? धनेरिया किस प्रकार से रहते हैं जो गेहूँ में पड़ते हैं? ये तो कितने परसेंट पे रहते हैं? 0% पे रहते हैं सर। अच्छा, अभी जैसे हमने देखा गया है कि किसी ट्राली में कोई धनेरिया नजर नहीं आया, तो आपने किस आधार पे उसको फेल करा? जी मैंने आपको बताया है सर कि धनेरिया उसमें देखे हैं आपने। एक ट्राली में एक धनेरिया महत्वपूर्ण होता है। जी मैंने एक धनेरिया नहीं, उसमें अगर और भी चेक करते तो और भी निकलता सर। ये तो कैसे चेक करते हैं? अंदर से निकाल के चेक करते हैं सर? उसमें तो निकाल के देखना पड़ेगी ना, अगर नीचे नहीं रोते तो देखना तो ऐसे ही पड़ेगा ना सर। आपने जो ये ट्रालियां इससे पहले जो आपने अंदर खाली करवाई है, क्या उसमें 1% धनेरिया नहीं थे? जी उसमें नहीं। ये आपको विश्वास है? ये मुझे विश्वास है। ठीक है, मैं यहाँ था तब तक जो मैंने तुलवाई उसमें नहीं थी, और उसमें नाइट में अगर कोई खाली उसकी जवाबदारी मेरी नहीं। अगर आपका ये कहना है कि 0% पे अगर उसमें धनेरिया ना होना, अगर हमने जाकर चेक किया अगर गोडाउन के अंदर अगर मिलता है हमको, जी सर, फिर आपका क्या कहना? जी सर मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ था उस टाइम पे नहीं निकले, उसके बाद अगर खाली हुई शाम के टाइम जब मैं यहाँ नहीं था, मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद, तो उसकी जवाबदारी। मतलब आपका कहना है कि आप ईमानदारी से काम करो और दूसरे बेईमानी से काम कर रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा सर। नहीं तो आप यही कह रहे हो कि मेरे देखते हुए किसी प्रकार का कोई धनेरिया नहीं गया, और शाम को अगर कुछ हुआ तो मेरे को पता नहीं। जी मैं यही बोल रहा हूँ ना सर कि जो मैंने चेक किया उसमें नहीं था, जो था वो मैंने कैंसिल कर दिया। तूफान सिंह कहाँ के निवासी हो? डेयरी के। क्या हुआ आपके यहाँ? सर ये धनोरिया के धनोरिया है गाँव में। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ लेके खड़े हैं ट्राली? आज 2 दिन, परसों शाम को खड़ा है। आपने ट्राली चेक करवाई? करवाई थी। फिर क्या बोला? जीके के पास भी होगा, लिख के दे दिया कि धनोरिया इसमें, घर ले जाओ। किसी प्रकार की कोई डिमांड की क्या आपसे? कोई डिमांड तो कुछ भी नहीं बोला। ये तो दो दिन वही है।